अस्सलाम वालेकुम और सब आर्मी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत से भी ज़्यादा बढ़िया होंगे। हाजिर पेशवर्दा आपके सामने न्यू वीडियो के साथ। टुडे आई विल मेकिंग अ रिएक्शन ऑन द वीडियो। द वीडियो नेम इज़ उसामा एंड नैनसुक टिक टॉक वीडियोज़। एक बार नैनसुक पे ही रिएक्शन किया, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बेसिकली उसको टाइम हुआ होगा हद मार के तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हुए होंगे। उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी उनके साथ, जो उसामा की टिक टॉक वीडियोज़ होती हैं। बेसिकली मे बी ये दोनों कपल अब बन गए हैं, रिलेशन में आ गए हैं। पहले बेस्ट फ्रेंड थे, उसके बाद कपल्स की सूरत में तब्दील हो गए हैं। सो इनकी वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इनकी वीडियो लेकर आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी दोनों वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं भी दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे, वो भी प्यारी, तो ये शेयर, तो ये सब शेयर। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम पे हर एक बंदे ने फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर आप फॉलो नहीं करते गब्बर साहब, ये बात बहुत गलत है, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। विदाउट एनी मिसटेक लेट्स बिगिन वीडियो इज़ हियर। शादी में सारी लड़कियाँ एक तरफ और मेरी नज़रें भी उन्हीं की तरफ। बेबी चाय पियोगी? नहीं, मैं काली हो जाऊंगी। दिन भर तो मेरा खून पीती हो, लाल तो ही नहीं। दिन भर तो मेरा खून पीती हो, लाल तो ही नहीं, काली कैसे हो जाओगी फिर चाय पीने से। मर्द का दिल मोहब्बत का समंदर होता है, अब आप लोग खुद बताएं, समंदर में रंग बरंगी छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियां अच्छी लगती हैं या एक अकेली शार्क? क्या कह दिया आपने साहब, क्या कह दिया, ये तो बड़ी तेनु तक दरवाजा। उसका जो सूट है ना वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। क्यों? Exactly. सामने तेरे सदते मेरी सारी एक फ्री एडवाइस दूं आपको? नहीं थैंक यू। अच्छा दे, अब नहीं दे। आए जाए दिल तेरी जानिब, आना जाना लगता है वाजिब। तुम्हारे लिए रेमन नूडल्स लाया हूं मैं बना के। क्या कह रहे थे? अब यार बहुत ज्यादा मीट तीखी तीखी हो रही है। भी कितना पागल है ये प्यार तो। जानू मैं तो जानू तेरी बातें मीठी मीठी, पर करूं कैसे, करूं मैं भरोसा। तेरे सामने आजा। आई प्रपोज हियर, हम सफदर भाई को बोले कि थोड़ा सा कुछ रोमांटिक सा गाना लगा दे। खबर क्या, अच्छा प्रपोज कर रहा है ये जाम होगा दिल लगाने का। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिनट साहिर भाई, अच्छा मतलब किसी ने पीछे से बहन बोला था क्या? मुझे आवाज ठीक से नहीं आई समझ। तूने बातें खोली कच्चे धागों में फिरो ली बातों की रंग। तू मेरा है ठीक है, और तू मेरा ही है, मैं फाड़ के रख दूंगी सबको यहाँ पे। ख्वाब में अगर देख ले किसी के साथ, 4 दिन बोलती नहीं मुझसे। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, तेरे सदते मेरी सारी जिंदगी। बाबू हाँ, मुझे आईफोन दिला दो। नहीं यार, नहीं दिला सकता। क्यों नहीं दिला सकते हो? यार मैं प्यार में दिल दे सकता हूँ लेकिन किडनी नहीं। समझती नहीं यार तू। प्यार में देखा हजारों दफा। ए यू चश्मेश, हाँ हाँ तुम इधर आओ। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट हो,
और ऊपर से ये तुम्हारा चश्मा, और ये तुम्हारे चश्मे पे जो तुम्हारे बाल आते हैं ना, हर बार मेरा दिल ले जाते हैं यार। वाह जी क्या बात है। पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा, तू हाथ में हाथ जो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से। मैंने तुमसे चॉकलेट मांगी, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हो, फ्रेंड कहती हो, और नहीं तुमने उसको चॉकलेट दी है यार, तुमने मुझे नहीं दी, तुमने दी है। मैं बिरयानी चाहिए ना, मुझे सॉरी चाहिए ना, मुझे बात कर। मेरा इतनी गंदी शर्म। ओके हमारी यहाँ पर वीडियो जो थी नैन्सो एंड ओसामा की ख़त्म हो गई हैं। इनका पूरा नाम क्या ओसामा का मुझे नहीं पता, बाकी नैन्सो का पता है। बेसिकली मैंने जब नैन्सो की रिएक्शन किया था तो नैन्सो तो इतने ज़्यादा प्यारी है, वो है छोटी मेरे हिसाब से, उसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, तो उसके जो छोटे लोग होते हैं ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे मासूमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्यूटनेस बहुत ज़्यादा होती है। सो मैंने वहाँ पे देखा था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब इसके बारे में वो सोचती हैं कि लड़ रही थी, भाई वो तुमने इसको बोला क्यों, कैसे हाई, कैसे नहीं हाई, नहीं कोई ऐसी बात होती है, ये सिर्फ मेरा है। सो वहाँ पे देखा था मैंने, पब्लिक ने बोला था ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ गए या आएंगे, ऐसे कुछ बोला था। सो इस दफ़ा वीडियोज़ भी रिएक्शन किया, बड़ा मज़ा आया और देखने में मुझे मज़ा आता है, ये दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं आपस में। बाकी प्रपोज़ में उसने ये बोला था, पीछे बहन किसी ने बोला था ना, ये पक्का नहीं समझ आया था, उसके बाद प्रपोज़ किया था वहाँ पे ऑनलाइन, उस पर क्या कहते हैं शो में किया हो, तो अगर आपको पता हो बताइएगा ज़रूर, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।